Dear students, in third sum, we have check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. We have given some solutions and we have to identify ki unme se kaun sa iske solution hai aur kaun sa nahi hai. Let us proceed with the first part, that is 0, 2. Okay? जब भी हम इसमें वर्क करेंगे तो जो पहली वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, एक्स की, और दूसरी वाली किसकी है, वाई की. तो आपने क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन सेट आपको दिया होगा कि देखो है कि नहीं है, वो आपने इसमें पुट करके देखना है. वे मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन वन. आपने क्या करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन वन. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर दोनों इक्वल आएंगी, लाइक राइट एंड लेफ्ट, देन इट इज़ अ सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या आ जाएगी, एक्स माइनस टू वाई. पुट द वैल्यू, एक्स एज ज़ीरो एंड टू वाई एज टू. सो ज़ीरो माइनस टू टू इज़ आर फोर. क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस फोर, एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज 4. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर 0 एंड 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. सिमिलरली बाय डूइंग द अदर पार्ट्स, सेम मैनर विल बी, सेम प्रोसेस विल बी यूज. आई एम डूइंग द फोर्थ पार्ट. ओके, देयर वी हैव रूट टू एंड फोर रूट टू. पुट एक्स इज इक्वल्स टू माई अंडर रूट टू एंड वाई फोर अंडर रूट टू इन इक्वेशन वन. दिस इज द इक्वेशन वन. इसमें आपको एक्स को रूट टू और वाई को टू फोर रूट टू से रिप्लेस करना. सो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड अगेन, दैट इज एक्स माइनस टू वाई. पुट कर दे जो वैल्यू, मैं एक्स को रिप्लेस किया रूट टू के साथ, एक्स की जगह रूट टू आ गया, माइनस टू वाई है, वाई की जगह फोर रूट टू आएगा. नाउ सिंप्लीफाई इट, रूट टू माइनस टू और फोर मल्टीप्लाई होंगे, टू फोर ज़ार एट. बिना अंडर रूट वाली टर्म, बिना अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट चैप्टर में किया हमने. और यहाँ पर रूट टू एट टाइम्स आ रहा है और यहाँ रूट टू वन टाइम आ रहा है, तो एट में से वन टाइम माइनस करेंगे तो माइनस रूट सेवन रूट टू आएगा. ओके, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू फोर. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Hence we have root 2 and 4 root 2 are not the solution of x minus 2y is equals to 4. Okay?